हेलो रिपे, गड्ढा का ध्यान रखना है आज, गड्ढा और कुटिया दोनों साथ में। है? अभी मुझे ऐसा लग रहा है कितनी गंदी हो रखी है तू मोर। देखो जर्सी जो है उसको आज कुछ प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि आप देख सकते हो उसका पेट जो है कि भाई पूरा फूल गया है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसको, ये देखो पूरा पेट कैसे हो गया उसका, फूल गया है वो। क्या हो गया जर्सी तेरे को, क्या हुआ? तो हेलो दोस्तों, कैसे हो गए हम सब? ऐसा आई होप आप सब मौज में होकर, मैं एकदम मौज में हूँ। बहुत सारे दोस्तों की अलग अलग कमेंट्स होती हैं, तो बहुत सारे दोस्तों की ये कमेंट्स होती है कि जगदीश भाई आप जो है कि हमारी कमेंट पे रिप्लाई नहीं करते। लेकिन देखिए अभी 200-300 कमेंट होती है, तो सबका मैं रिप्लाई नहीं कर सकता भाई, लेकिन कमेंट सबकी पढ़ता हूँ। जरूरी जो कमेंट होती है उसका रिप्लाई मैं व्लॉग में ही दे देता हूँ। तो बहुत सारे दोस्तों की ये कमेंट थी कि भाई अपना जो गड्ढा है उसका बाप कौन था, माँ कौन थी, गड्ढा के पहले आपके पास कौन सा बुल था। तो मैं आपको बता दूँ, गड्ढा से पहले हमारे पास कोई बुल नहीं था, क्योंकि उससे पहले हमारे पास गाय बहुत कम थी, 3 या 4 गाय थी, और सबसे ज़्यादा हमारे पास भैंस थे। और हमारे पास 3-4 गाय थी, तो उसकी जो ब्रीडिंग है, हम पोपट मामा जो है उनके आपा के पास एक बुल था। तो हम क्या करते थे, जब भी कोई गाय हिट पे आती थी तो उस बुल को यहाँ पे लेके आते थे और उससे ब्रीडिंग करवाते थे। यहाँ हमारी गाय वहाँ पे लेके जाते थे, उससे ब्रीडिंग करवाते थे। उससे पहले जो है कि हमारे एक चाचा है जो कि अभी तो गुजरात चले गए हो, तो चाचा के पास एक बुल था भाई। वो बुल तो भाई अभी तक मुझे याद है भाई, अलग लेवल, पूरा ब्लैक था भाई। गड्ढा से पहले हमारा खुद का एक भी बुल नहीं था। तो बहुत सारे दोस्तों की ये कमेंट्स होती है कि जगदीश भाई आप गड्ढा को खरीद के लाए थे या घर की गाय का है? तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो गड्ढा है वो घर की गाय का है। हम अभी जो है कि गड्ढा की उम्र हो गई है 12 साल, तो अभी जो है कि वो ब्रीडिंग नहीं करता है, तो इसकी वजह से हम अभी जो है कि हमारा छोटिया जो है उसे तैयार कर रहे हैं। एक बार छोटिया ने ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया फिर बात ख़त्म। बाकी जो है कि यहाँ का काम हो गया है पूरा ख़त्म, और आज जो है कि हमें जाना है गन्ने का ट्रैक्टर भरने के लिए। हम 3-4 दिन से जो है कि अलग अलग खेतों में से जो है कि गन्ना जो है वो भर के घर पे ला रहे हैं, क्योंकि अभी जो है कि बारिश का मौसम भी बहुत नज़दीक आ गया है। क्योंकि एक बार बारिश हो गया फिर बाद में जो है कि ट्रैक्टर खेतों में जाएगा नहीं, तो उसके पहले हम गन्ने का स्टॉक करते हैं। और गड्ढा की और मोर जो है उसकी भाई दोस्ती अच्छी वाली हो गई है, क्योंकि जो है कि मोर रात भर जो है कि गड्ढा के बाजू में ही बैठते हैं हमारे। तो चलो अभी फटाफट से जो है कि ये पूरा पहले खाली करना पड़ेगा, फिर फटाफट से निकलते हैं। बस ब्रेक आगे। ये वाला जो गन्ना है ये गन्ना हमने खरीदा है, और मैं आपको बता दूं इस वाला गन्ना का हमने इस बार पैसा नहीं दिया। इस बार जो है कि हमें उनको देना है गोबर का एक ट्रैक्टर, और ये गन्ना जो है कि पूरा हमें तोड़ के लेके जाना है। अब ये पूरा गन्ना जो है कि मेरे ख्याल से लगभग 2 ट्रैक्टर हमारे भरेंगे, और हमें जो है कि इसके बदले में उनको 1 ट्रैक्टर गोबर देना है। आइए आइए सुरेश भाई, आइए, आपका इंतजार था। क्यों कैसे दुख रहा है? क्यों दुख रहा है? तो आज मत काटना, तू बैठ गए यहाँ पे यार। मेरे को तकलीफ है यार। क्या तकलीफ है तेरे को? फाइनली जो है कि अभी हमने ट्रैक्टर जो है वो भर लिया है, और अभी भी इतना गन्ना बाकी है। तो अभी सुरेश भाई बोले भाई मैं बहुत थक गया हूँ, क्योंकि सुरेश भाई का दुख रहा है हाथ। तो सुरेश भाई बोले इतना गन्ना जो है कि कल लेके जाएंगे, तो मैंने बोला ठीक है।
इसमें का जो है कि आधा यहाँ पे खाली करेंगे और आधा जो है कि वाड़ा के अंदर। इतना बड़ा जख्म कैसे हो गया अपन? दिखा बाबा, बहुत ब्लास्ट मारती है। पूरा आप देख सकते हो, पूरा का पूरा जो है कि उसका आंचल जो है वो सूज गया है, आंचल के ऊपर वाला हिस्सा भी सूज गया है, क्योंकि जो है कि कल से उसने मिल्किंग करने नहीं दिया है। और आप जख्म देख सकते हो, क्योंकि वो जो है कि कल वाड़ा के अंदर बैठी थी वो, और उसके आंचल पे ना इसमें से कोई गाय ने उसके आंचल पे पैर रख दिया भाई। गड्ढा जो है कि उसको दो दिन से भाई बांध के रखा है इसी जगह पे, से उसको छोड़ा ही नहीं है, तो आज तो छोड़ देंगे। क्योंकि वो वाली जो बछड़ी है वो तो हीट पे आई है, लेकिन उसकी ब्रीडिंग नहीं हुई, और अभी जो है कि उसने हीट भी छोड़ दिया है, तो अभी फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कोई गाय हीट पे है। तो आज जो है कि गड्ढा को भी छोड़ देंगे, क्योंकि दो चार दिन अगर बांध के रखते हैं फिर बाद में जो है कि वो बहुत गुस्सा हो जाता है भाई, फिर वो जो है कि उसके पास जो भी जाता है सबको मारता है। तो अभी दो दिन हो गए बस, अभी आज जो है कि उसको छोड़ देंगे, अगर ऐसा लगा कोई गाय हीट पे है तो उसको फिर से बांध देंगे। पहले जो है कि गोटियाँ को छोड़ देता हूँ, अगर कोई गाय हीट पे है तो गड्ढा को नहीं छोड़ेंगे। अरे इससे बच के रहना पड़ता है भाई। हरि भाई गड्ढा को छोड़ दे, नहीं छूट रहा। ऑफिस बिठा देंगे। भाई नहीं छूट रहा है वो, उसने जो रस्सी है इतनी फिट कर दी है भाई, और ऊपर से जो है कि वो मार रहा है मेरे को, क्योंकि एक दो दिन बांध के रखते हैं भाई तो वो बहुत चिढ़ता है फिर। देख ईमानदारी से मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ, सुन ईमानदारी से खड़ा रहे, ईमानदारी से छोड़ दूंगा मैं, लेकिन ईमानदारी से खड़ा रहा। तो नहीं वो नहीं सुन रहा, ईमानदारी नहीं है, ईमानदारी है ही नहीं उसके पास। अभी जो है कि पहले छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको पहले छोड़ देते हैं, और गड्ढा जो है उसने तो रस्सी फिट कर दी, तो रस्सी काटनी पड़ेगी। छूटेगा? छूट गया, सीधा गोटिया के पास मत जा। गोटिया का गोटिया कहाँ गया? गोटिया ने गलती मार दी। चलो तो अभी जो है कि कोई गाय आज हिट पे नहीं है तो लड़ाई नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आज जो है कि दोनों को छोड़ दिया है। अब कह रही थी उपाड़ी ने लटकने तो लटको, नहीं तुम्हारे को जो करना है करो, मैंने करने वाला। बट थोड़ा बच गया, मैं देख रहा था उधर से, ट्रैक्टर पलटे हो गया था। हाँ टारली पलटी हो गई होती ना, खाली करेंगे यार, पूरा कमर दुख रहा है मेरा। मेरा कमर दुख रहा है, हरी भाई को पूछ ले आले ऊपर। हाँ अभी लगा दे, अब लग जाएगा। इतना दिक्कत देते ना भाई कि पूछो है मत, दिन भर जो है कि दौड़ा दौड़ी होती है भाई। तो हट बैठ, हट बैठ, हट 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 बैठ, हट बैठ, हट बैठ, बैठ बस 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 बैठ बैठ नीचे बैठ जा, बैठ 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 बाले वाह। भाई ये क्या तरीका है भाई, क्या हेलो हरी भाई, गड्ढा का ध्यान रखना आज, गड्ढा और गोटिया दोनों साथ में। हाँ ओ
और आज जो है कि हरी भाई और महेश भाई दोनों ही गाय लेके जा रहे हैं क्योंकि सुरेश भाई कुछ काम से गया है बाहर। महेश भाई गड्ढा की और गोटिया की ध्यान रखना, अगर एक बार नजर हटी दुर्घटना घटी। फाइनली जो है कि दोस्तों गाय जो है खेतों में चर के वापिस आ गए हैं, लेकिन वाड़ा के अंदर जो है कि आज इतना भी चारा नहीं है क्योंकि आज जो है कि सुबह सुबह हम गए थे गन्ना भरने के लिए और सुरेश भाई ने क्या किया कि जहाँ पे हमें आधा गन्ना वहाँ पे खाली करना था और आधा वाड़ा के अंदर करना था, तो वहीं पर ट्रैक्टर फंसा दिया और पिन निकाल दी, ट्रैक्टर हो गया सीधा ऊपर, तो फिर वो जो है कि वहाँ पूरा खाली करना पड़ा। तो अभी जो है कि उस भाई ने पूरा वहाँ पर खाली कर दिया और अभी हरी भाई और अपना सुरेश भाई दोनों गए हैं मक्का काटने के लिए। तो अभी जो है कि मक्का भर के लेके आएंगे, फिर जो है कि उनको चारा मिलेगा। सुबह सुबह जो है कि भाई गलती से इसने जो है कि मैंने सुरेश भाई को पूछा कि भाई इसको ये प्रॉब्लम क्या हो गया है क्योंकि जो इसका पेट है फुला फुला है आज सुबह से। तो सुरेश भाई बोले कि भाई उसने सुबह सुबह जो है कि दो टोकरी जो है कि भाई टमाटर की खा लेती है। अभी आपको भी पता है गाय अगर टमाटर हद से ज़्यादा खा लेती है तो उससे दिक्कत होती है। तो भाई इसने जो है कि भाई लगभग मेरे ख्याल से 20-25 किलो जो है कि टमाटर खा लिया, तो इसकी वजह से जो है कि थोड़ा जो है कि इसका पेट जो है कि आज सुबह से फुला फुला है, आप देख सकते हो। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि भाई हमारा जो छोटिया है वो बहुत जल्दी ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर दे। बाकी हमारा गोटू कहाँ गया, गड्ढा तो यहाँ पे है, तो गोटू कहाँ गया आज, गोटू कहाँ पे है, चल बे कोड़ी। हाँ गोटू जो है कि वहाँ पे है। और भाई ये जो है कि आज सुबह से जो है कि भाई इतना चिल्ला रही है क्योंकि कल शाम से ही उसने मिल्किंग नहीं करने दिया क्योंकि एक गाय ने उसके आंचल पे पैर रख दिया था तो वहाँ पे हो गई थी जख्म। फिर बाद में जो है कि कल शाम को उसने मिल्किंग नहीं करने दिया ठीक से, फिर सुबह भी नहीं करने दिया। अभी देखते हैं शाम को अगर आज मिल्किंग करना दे तो ठीक है, नहीं तो अगर उसने सही तरह से मिल्किंग नहीं करने दी तो सुरेश भाई जब दूध लेके जाएगा तो जो है कि मलम वगैरह लेके आएगा तो बहुत जल्दी जो है कि वो ठीक हो जाए, बाद में मिल्किंग करने दे भाई। अभी जो है कि भाई आज पूरा दिन जो है कि वो इतना शोर कर रही थी, अभी शाम को अगर इसने मिल्किंग नहीं करने दिया तो रात भर शोर करेंगी, तो रात भर जो है कि भाई आज तो दिक्कत रहने वाली है क्योंकि रात भर जो है कि भाई ये सोने नहीं देंगे, हमें निस्ता चिल्लाएंगे, फुल चिल्ला रही है, देखो अभी भी चिल्ला रही है, उधर देख के चिल्ला रही है, ट्रैक्टर का वेट कर रहे हैं कि भाई अभी तक ट्रैक्टर क्यों नहीं आया। मोर अरे मोर आजा 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 आजा, तेरे को बुलाया नहीं भाई, तू गलती से भी नहीं आना। आप जो है कि जितना इनको लाड करोगे उतना ही आपके पास आते जाएंगे। चलो सबका खाना आ गया है, आ गया, जाओ जाने जाओ, बाजू को हटो, हटो रास्ते से, हटो बाजू को, पूरा खाली कर दो, खाने दो आज। अबे ट्रैक्टर पे ड्राइवर नहीं है कोई, अरे वो ट्रैक्टर कहाँ जा, अरे वो ट्रैक्टर कहाँ जा रहा, वो आगे देख, कर दो पूरा खाली कर दो भाई। इतनी गाय संभालना बहुत मुश्किल है भाई। अभी आपको बता दूं ये गाय जो है छोटी बड़ी पकड़ के भाई 70-80 गाय है सब मिला के, इनके जो छोटे छोटे बच्चे वो 20-25 तो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। चार भाई पूरा दिन जो है इनके पीछे रहते हैं तब जाके जो है कि ये पूरा हैंडल होता है। बस अभी जो है कि इसमें पूरा ट्रैक्टर खाली कर दिया है, तो अभी मुझे लग रहा है लगभग अभी अभी कितने बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं 4:45, तो 5:45 बजे तक जो है कि हम 5:30-6 बजे जो है कि गाय को बांधते हैं, तो लगभग एक घंटे में तो ये जो पूरा है पूरा फिनिश कर जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही ब्लॉग, अगर आपको पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं कोई नए ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा।